गुड मॉर्निंग। तो आज मंडे है और मंडे के अब 11 बज चुके हैं और आज डेट है 6 मई। और बच्चों की जो मुझे फ़ीस है डिपॉजिट करा के आनी है, क्योंकि जो बच्चों की फ़ीस है वो बैंक में डिपॉजिट करानी है और बहुत जल्दी जल्दी हो रही थी। मैंने सोचा मैं पहले अपना फटाफट से ब्लॉग स्टार्ट कर लूँ, क्योंकि एक बार स्टार्ट हो जाता है तो हो जाता है, रह जाता तो रह ही जाता है फिर। तो अब 11 बज चुके हैं और मेरे हस्बैंड अभी, उन्होंने मुझे बोला कि तू चली जा आज, तो मुझे आज जाना पड़ेगा, मेरा मन नहीं है अकेले जाने का बिल्कुल भी। मैं उनको बोल रही थी थोड़ी देर के लिए आ जाना, लेकिन ये कह रहे हैं कि तू जा और डिपॉजिट करा के आ, तो मुझे जाना पड़ेगा। और गर्मी बहुत है, धूप बहुत है बाहर, और ऑटों से जाना पड़ेगा यार, बड़ा वो हो रहा है मतलब। तो और एक अकेले जाने में मुझे ज़्यादा होता है। मैं उनको ये फिर गुस्सा करते हैं कि नहीं तू जा, और सारे काम मतलब मेरे हस्बैंड के ऊपर ही रहते हैं कि जो भी काम करना है इनके साथ ही करना, इन्हों नहीं करना। तो कुछ काम लेडीज़ को भी करने चाहिए घर के। तो फीस डिपॉजिट कराने भी जा रही हूँ और लेट हो गई हूँ काफ़ी। आंटी आके बैठ गई थी, दो आंटी आ गई थी, तो वो कपड़े देखने आई थी। तो अभी उनको कपड़े दिखा दे, फैले पड़ा है सारा ऐसे, आके फिर मैं जो है उनको सेट करूँगी। और अभी मुझे बहुत जल्दी हो रही है, बाल धोए नहाई बहुत काम। एक घंटे में मैंने आना जाना जो कर लिया है बैंक से, और अब हो गया है 12:30। तो अब देखती हूँ कुछ बनाना है मुझे लंच वगैरह। तो दाल तो मैंने सुबह ही बना ली थी, तो वो पड़ी है अभी। तो चावल बनाने हैं और जो फुलके बनाने हैं अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि बच्चे तो चावल ही खाएंगे और मैं भी चावल ही खाती हूँ, क्योंकि चावलों के बिना मेरा दिन नहीं बनता। चावल मुझे चाहिए ही चाहिए एक टाइम, तो चावल तो डेली बनते हैं हमारे घर में। तो अभी बस चावल बनाऊँगी। और आज मार्केट जो बंद थी पूरी, कुछ कुछ शॉप थी खुली, लेकिन ज़्यादा तकरीबन बंद ही थी मार्केट आज, क्योंकि मंडे को यमुनानगर में मार्केट बंद ही रहती है। तो मैंने सोचा पहले मैं कुछ कुछ खा लेती हूँ बैठ के, क्योंकि जो मार्केट में है, मेरा बहुत ज़्यादा जूस पीने का मन कर रहा था। तो अकेले मैं कुछ नहीं खा सकती, बाहर कोई साथ में हो या हस्बैंड हो साथ में, तब मैं कुछ खा लेती हूँ, बाहर अकेले मैं बिल्कुल नहीं खा सकती। तो इसलिए मैं पहले खा के फिर काम में लगूँगी। तो गाइज अभी मैं बना रही हूँ जो टिंडे की सब्ज़ी, और थोड़ी सी बना रही हूँ, क्योंकि टिंडे जब कोई ज़्यादा हमारे घर में खाता नहीं है, तो मैं ही हूँ और मेरे हस्बैंड हैं, बच्चे तो खाते नहीं टिंडे। तो मैं भी अभी शादी के बाद ही खाने लगी हूँ टिंडे, थोड़े से ही बनाई हैं और इसी फ्राई पैन में आ जाएंगे। और एक तरफ मुझे जो घिया का छोंक लगाना है, घिया भी बनाऊँगी, और क्योंकि सुबह हमने कहीं जाना है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं जो सब्ज़ी है, क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी में बनेगी नहीं, इसलिए मैं शाम को ही बना के रख रही हूँ अपनी सब्ज़ी वगैरह, ताकि क्योंकि सुबह अभी 7:30 बजे तक निकल जाएंगे, तो पॉसिबल नहीं हो पाए। मैं यहाँ पे कुछ चने की दाल ले रही हूँ, क्योंकि जो घिया की सब्ज़ी है, हमारे घर में कोई भी बिना चने की दाल के नहीं खाता, तो चने की दाल डाल के ही खाते हैं सब। और जो चने की दाल से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसको मैं थोड़ी देर डिप करके रखूँगी पानी में, ताकि ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। और ये घिया मेरे हस्बैंड ने मेरी काटने में हेल्प कर दी है, तो बस अभी मैं तड़का लगाऊंगी और ये मेरी तैयार हो चुकी है यहाँ। तो टिंडे जो बन चुके हैं मेरे, और अभी मैं जो मेरा मसाला तैयार हो गया है, मेरे जो है तड़का लगा दिया है, अब जो भी है उसमें डालनी है मुझे। टिंडे की सब्जी देखने में बड़ी टेस्टी लग रही है, खाने में पता नहीं कैसी होगी। चढ़ा दी हैं गैस पे और टिंडे बन चुके हैं, और जो भी घिया की सब्जी है वो बनने रख दी है। अभी बस आटा लगा के मुझे फटाफट से फुलके बनाने हैं,
बस फुलके बनाने का काम अब रहता है मेरा। और ये कॉटन का दुपट्टा मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो ऐसे मेरे कॉटन के 2-3 दुपट्टे थे वो सारे फट चुके हैं, तो ये अब मैं घर पे लेके रखती हूँ। कॉटन का है मतलब, और गर्मी वगैरह आती है तो सारा सोख लेता है, दुपट्टा अच्छा है तो मैं इसलिए इसको लेके रखती हूँ। अभी थोड़े दिन पहले ही लेके आई थी इसको, तो ये मेरे को बड़ा अच्छा मिल गया था 100 रुपये में, 100 रुपये में मिल गया था ये, क्योंकि वैसे 120 रुपये का मिलता है, लेकिन हमने सुबह सुबह ख़रीदा था। हम कहीं जा रहे थे 7-7:30 बजे, नहीं 8 बजे तक की बात है, तब शॉप मतलब ओपन ही हुई थी, तब उसने बोला कि नहीं के टाइम की बात है ये, तो इसलिए आपको 100 रुपये में दे देते हैं, 100 रुपये में पड़ गया था मुझे, तो इसलिए मैं इसको लेके रखती हूँ। अभी 2-3 वीडियो में यही ले रख, सारा काम फिनिश करके अभी बस सोने की तैयारी में हूँ मैं। और अब 10:30 हो चुके हैं, गैस साफ़ की, बर्तन साफ़ किए, सुबह की सारी तैयारी की, तो क्योंकि 7 बजे तक निकलना है तो पता ही है नहीं हो पाएगा, तो सब्जियां बना के रख दी। सुबह बच्चे कह रहे हैं नमकीन चावल खाने हैं, दही जमा दी, लस्सी बना दी बच्चों के लिए, मतलब सारा काम है जो कंप्लीट कर दिया एकदम A to Z। गैस पूरी साफ़, सेल्फ पूरी, बर्तन बर्तन सब साफ कर दिया है ताकि सुबह का जो है सिर्फ प्रेशर बहुत कम रहे। तो सुबह बस मुझे नहाना है, उठना है, झाड़ू लगाना है बस, और जो सेटिंग वेटिंग है वो सब कर दी है अभी, तो झाड़ू लगाना है और नहाना है उसके बाद, और 2-4 बच्चों के लिए फुलके बनाने हैं और नमकीन चावल बनाने हैं, बस थोड़ा सा ही काम है। तो ये तो सिर्फ 1 घंटे में शायद हो जाएगा, क्योंकि 5 बजे उठूँगी तो 5-6 बजे तक हो जाएगा, तो 7-7:15 बजे तक हमारी ट्रेन है। तो कल भी वीडियो बनाऊंगी शायद मैं, तो ये जो वीडियो की एडिटिंग है ये शायद मैं कल ट्रेन में बैठ के करूँगी, क्योंकि 2-2.5 घंटे हमें लग जाएंगे जहाँ भी हम जा रहे हैं कल वहाँ बैठ के आराम से। अभी तो मुझे सोना है क्योंकि 10:30 हो गए हैं, तो अभी एडिटिंग नहीं करूँगी मैं, फिर सुबह उठ नहीं पाऊँगी अगर एडिटिंग करने में लग गई तो। सुबह गाड़ी में बैठ के मैं एडिटिंग करूँगी और शायद वहीं से पोस्ट कर दूँगी मैं अपना वीडियो कल। औरतों के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, घर का होता है मतलब, लेकिन हमें जैसे हर के काम भी कुछ करने चाहिए, सारे काम जो है हस्बैंड के सिर पे नहीं डालने चाहिए, कुछ काम मतलब हमें बाहर के भी निपटा लेने चाहिए। चलो आज तो जैसे ये है कि अगर हमें कहीं जाना है तब हमारे ऊपर ज़्यादा प्रेशर रहता है, लेकिन 9-9:30 बजे तक हमारा काम फ्री हो जाता है, 10 बजे तक हम फ्री हो जाते हैं, उसके बाद तो हम फ्री रहते हैं, तो जाके अपना कुछ भी हम मार्केट का काम है या कुछ है वो अकेले करना चाहिए। और जो मेरे हस्बैंड हैं मुझे यही सिखाते हैं कि खुद के काम अकेले भी करना सीखो, तो मेरे को मतलब बहुत मोटिवेट करते हैं हर चीज़ में कि खुद अपने काम करो, अकेले जाओ, अकेले सीखो, कहीं बाहर जाना चाहिए हमें, अपने काम खुद करने चाहिए। तो बस अभी टाइम ज़्यादा हो गया है, बस मुझे जो दूध ठंडा करने में लगी हूँ, ठंडा हो जाएगा तो मुझे इसमें जामुन लगाना है, जामुन जब उसमें लग जाएगा तो इसको मैं यहीं पे रख दूँगी इसे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो पता ही आपको क्या करना है, तो जल्दी से फटाफट लाइक चिपका दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कल मिलते हैं आपको फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।